लखीमपुर के मैलानी खीरी में मैलानी रेलवे स्टेशन पर लखनऊ मंडल की DRM विजय लक्ष्मी कौशिक निरीक्षण किया। सभी विभाग के आला अधिकारी व विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे तथा ट्रेन संचार के लिए हो रहे कार्यों में सुस्ती देख विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई तथा मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि सीतापुर से लखीमपुर के बीच ट्रेन संचालन 10 अगस्त 2019 को ट्रेन संचालन शुरू किया जाएगा। लखीमपुर खीरी से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। सीतापुर का गेज कन्वर्जन का काम चल रहा है। सीतापुर से लखीमपुर तक हम जल्द ही गाड़ी चला देंगे, उसके लिए हमें डेट मिल गई है, 10 अगस्त को गाड़ी चला देंगे। जो लखीमपुर से लेकर आगे मैलानी तक का काम है वो भी प्रगति पर है, तो उसमें मेन यार्ड मैलानी ही पड़ता है, तो आज हम उसी का निरीक्षण करने आए थे कि जो कमियाँ रह गई हैं उसे जल्दी से जल्दी पूरा करा के CRS का इंस्पेक्शन कराया जा सके। तो आज मैंने सभी विभागों के अध्यक्षों, जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं, उनके साथ आकर हम लोगों ने पूरा देखा है। आरबीएनएल के भी सभी लोग हैं, उसमें जो जो कमियां पाई गई हैं उनकी हमने लिस्ट बनाई है, उनके हम जल्दी कार्रवाई करके उन्हें पूरा कराएंगे ताकि CRS इंस्पेक्शन करा के हम जल्दी गाड़ी चलाएं। मैडम 10-2016 को आपकी ट्रेन बंद हुई थी, उसके उपरांत कितने दिन का टेंडर था, कितने दिन का दिया गया था, किस रूप में काम पूरा करना चाहिए? कुछ इश्यूज रहे हैं, आरबीएनएल जो काम करने वाली एजेंसी है जी जी, तो इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट से लेकर कुछ इश्यूज रहे हैं जिसकी वजह से काम थोड़ा सा डिले हुआ है। 3 साल मैडम होने जा रहे हैं। तो काम मैम यहाँ पे वर्क करने की सैली रहती, 1 दिन काम होता, 8 दिन बंद रहता, इसी के कारण जो इतना ये हम लोगों ने अब पूरा जोर लगा रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी काम को खत्म कराया जाए जी जी, क्योंकि अब मोर और लेस जितना भी प्रिपरेटरी वर्क था वो सब हो गया है, अब जो फिनिशिंग वर्क है वो रह गए हैं। मैम आगे आने वाली समस्या जो मूल रूप से रहेगी, जो आपके यहाँ पार्किंग जो आपने अभी बताई थी हम लोग के सामने, वो बहुत छोटी होगी और RPF आए दिन उनको चालान करने के लिए तैयार रहती है। जैसे वहाँ पे साइकिल स्टैंड है, साइकिल स्टैंड केवल साइकिल ही जा पाएंगे, जैसे फोर व्हीलर, एक मिनट मैम, हम लोगों ने डिसाइड किया है फोर व्हीलर के लिए भी पार्किंग का एरिया हम लोगों ने डिमार्केट किया है जी। और वो इस समय जो मैम अभी जैसे आपकी छोटी लाइन गाड़ी चल रही है, इस समय जो मैम जैसे बाहरी पैसेंजर आते हैं फोर व्हीलर खड़ी करते हैं, उनकी अभी क्या सुविधा है? RPF आपकी चालान करती है? अभी सर नो पार्किंग में चालान किए गए मैलानी से, तो इसको हम दिखवा लेंगे। मैडम सीतापुर जो कुछ डेट बताएंगे कब तक चालू हो जाएगी? सीतापुर तक तो चालू हो ही नहीं, लखीमपुर वाली के 10 अगस्त को कंफर्म है मैम, कंफर्म है। और लखीमपुर से मैलानी, लखीमपुर से मैलानी में अभी जो काम रेजिडुअल काम बचे हैं उनको देखकर लगता है कि अभी लगभग 2 से 2.5 महीना लग जाएगा हमें उनको काम पूरा करने में। 2 से 2.5 महीने में मैम कुछ जो रेजिडुअल काम बचे हुए हैं मैम कुछ जल की समस्या है, CRS के सैंक्शन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट वीक में अप्लाई करेंगे, जैसे CRS सैंक्शन मिलती है उसके बाद जो कमीशनिंग का काम करना है वो हम लोग करेंगे। मैडम कुछ जल की समस्याएं बताई जा रही है? जल की समस्या का वो हमने नहीं निस्तारण, आपने जो आपकी बड़ी लाइन बनी उसका निस्तारण किया, छोटी लाइन मैम आपके जो हैंडपम्प लगे हुए हैं वो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, अभी उस पर छोटी लाइन की गाड़ी आती है। ठीक है, इसको दिखवाइए, इसलिए किसी ने मुझे बताया नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो उसको दिखवाइए साहब, इसको अटेंड करवाइएगा जल्दी से जल्दी। मैडम वो जो फुट ओवर ब्रिज आ रहा है उससे और टीन शेड की और टीन शेड देखिए इसका इसके आप दायरा ले लीजिए, उसका भी दायरा ले लीजिए। मैडम यात्रियों को तो बड़ी दिक्कत होगी, उसके बारे में अभी ये बात हमारे संज्ञान में आई है जी, उस पर कुछ निर्णय ले रहे हैं जी, उसको भी कराएंगे। मैम एक जो है रेलवे ऑडिटोरियम जो है जीर्ण से हालत में है, उसकी टीने जो है बिल्कुल रुकती तो बिल्कुल भीग जाते हैं, उस पर ही है और अक्सर यहाँ के जो लोग हैं उसी को बुक करते हैं, और वो रेंट पर्पस पे चलता है, लेकिन उसकी जो है मेंटेनेंस के मामले में जीरो है मामले में। और अभी हम मैम एक बार रिक्वेस्ट है निरीक्षण कर लीजिए, अगर आप अगर 5 मिनट अगर देख लेंगे तो जो है उसका जो है जीर्ण उद्धार हो जाएगा। सियाना से बुलंदशहर मार्ग पर नयाबाज गांव के पास एलुमा स्कूल की बच्चों से भरी बस की टक्कर एक ट्रक से हो गई। चालक ने बताया कि ट्रक की हालत पहले से ही खराब थी, उसे महसूस होने लगा था इसलिए उसने गाड़ी को कच्ची में उतारा, फिर भी बचाते बचाते गाड़ी आपस में टकरा गई। गाड़ी में बैठे एक बच्चे को चोट आई, बच्चे को तुरंत विजयश्री अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही CO धन प्रकाश त्यागी, SDM सुभाष सिंह व सियाना कोतवाली प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा घटनास्थल वह अस्पताल में जाकर घटना की पूरी जानकारी ली। विजयश्री अस्पताल के डॉक्टर राघव ने बताया कि बच्चे के सर में हल्की सी चोट है, फिर भी संतुष्टि के लिए सिटी स्कैन के लिए बुलंदशहर रेफर कर दिया गया है। सियाना से विकास त्यागी की रिपोर्ट।
वैगनार कार में लगी आग, कोई जनहानि नहीं। खामखेड़ा बैजनाथ निवासी दीपक मालवीय की है कार। कार में दीपक मालवीय के साथ उनकी मां भी थी सवार। शॉर्ट सर्किट आग लगने के कारण बताया जा रहा है। पुलिस पहुंची मौके पर। आष्टा अस्पताल में गर्भ अवस्था में भर्ती थी दीपक मालवीय की पत्नी, जिसे सीहोर जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। आष्टा से गांव खामखेड़ा जरूरी सामान लेने जा रहे थे। पगारिया घाटी के पास की घटना। कार में सवार दीपक और उसकी माँ सुरक्षित। अमलाहा से पंकज जैन की रिपोर्ट।